ओके बच्चों, ब्रिंजल कलरिंग किस तरह करना है यह मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर पर्पल कलर या फिर डार्क वायलेट कलर ले लीजिएगा। प्रेस करते हुए कलरिंग करते हुए आगे बढ़ना है। शैडो वाला कलरिंग मैंने फर्स्ट कर दिया, इधर थोड़ा सा लाइटली कलर करना है। यहाँ पर लाइट पिंक कलर आप या फिर डार्क पिंक कलर आप यहाँ पर दे सकते हो या फिर पर्पल कलर दे सकते हो। पर्पल कलर मेरे पास है, ये मैं थोड़ा सा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर पर्पल कलर दे दिया, ये डार्क वाइट दे दिया, इधर पर्पल कलर दे दिया। फिर इसको अच्छा ब्यूटीफुल लगने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रेड भी दे सकते हैं, थोड़ा सा रेड टच करेंगे उसी के साथ, फिर पर्पल कलर दे देंगे। ओके, उसी में चमक मारने वाला थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ना पड़ेगा। व्हाइट चौक से हम हाईलाइट छोड़ेंगे, यानी कि ब्रिंजॉल बहुत ही स्मूथ रहता है, जो सरफेस स्मूथ रहता है वो हाईलाइट हो जाता है, चमक मारता है। ओके, यहाँ पर किस तरह कलर करना है, जिस तरह यहाँ पर कलर किया है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का शेडिंग, ठीक उस तरह यहाँ पर करना है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हुआ है क्योंकि हमने इधर से लाइट लिया है और इधर शैडो छोड़ना है ना, फिर यहाँ पर गलत हुआ है। इधर पैरेट ग्रीन आना चाहिए, इधर डार्क ग्रीन आना चाहिए। ओके, इसमें भी हम इम्प्रूव कर सकते हो, थोड़ा सा स्क्रैपिंग करके एक कलर निकाल कर दूसरा कलर हम दे सकते हैं। कैसा देना है वहाँ भी ऊपर, यहाँ ऊपर भी कैसे देना है अभी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ओके, इधर साइड को, इस साइड को डार्क आना चाहिए, उस साइड को लाइट आना चाहिए, इसलिए मैं ग्रीन के जितने टोन है उतने ले लूँगा, लेकिन नहीं तो लाइट पैरेट ग्रीन और डार्क ग्रीन लेकर कलर कर सकते हैं हम। ओके, सीयर, इधर से लाइट आया इसलिए लाइट पैरेट ग्रीन, और अपोजिट साइड को डार्क शाडो वाला पार्ट के लिए डार्क ग्रीन कलर हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक दिस। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही आएगा। टोमेटो के लिए भी इसके जैसा ही कलर करना है, बहुत ही आसान है, लास्ट टाइम हम सीखे थे। पम्पकिन को किस तरह कलर करना है ये आपको देख लेना है। ओके, टोमेटो का कलर करके दिखाऊं? ओके, अच्छा है, ठीक है। पम्पकिन का कलरिंग पैरेट ग्रीन लेना है, उसी के साथ येलो लेमन येलो लेना है, बहुत ही आसान है, हल्के हाथ से कलर करना है। डार्क ग्रीन तो इसको रहता ही नहीं है, हल्के हाथ से कलर करो, थोड़ा सा टेक्सचर ऑयल पेस्टल का टेक्सचर आ जाएगा। इधर लाइटली हैंडल करना है, इस साइड थोड़ा सा प्रेस करके हैंडल किया तो भी चलेगा। थोड़ा सा इसमें लाइटली येलो कलर भी थोड़ा सा मिक्स करना है, मर्ज करना है। अच्छा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, सच्चा भी दिख रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। और इधर हाईलाइट आ गया, इधर थोड़ा सा और थोड़ा सा शैडो के लिए हम इधर बीच में हाई डार्क टोन यहाँ पर दिखा सकते हैं। इस तरह यहाँ कलरिंग कम्प्लीट हुआ है। ओनियन का भी कलरिंग पिंक और पर्पल थोड़ा सा देकर ओनियन का कलर भी हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, ऑनियन का कलरिंग हम करना स्टार्ट करेंगे। हल्के हाथ से इधर कलर करेंगे, इधर थोड़ा सा हाईलाइट छोड़ेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद भी दिखता है ऑनियन, दिखता है कि नहीं? हाँ दिखता है। और उसके स्ट्रोक्स कैसे रहते हैं वे ध्यान में रखते हुए ऑनियन का कलरिंग करना है। हो गया ऑनियन का कलरिंग, फिनिश्ड हो गया। ओके ओके, ठीक है। और थोड़ा सा डार्क करना हो तो आप डार्क भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी पोटैटो का कलरिंग कैसे करेंगे, इधर थोड़ा सा लाइट, इधर से लाइट आया, फिर यहाँ लाइट गिरेगा, इधर क्या गिरेगा, शैडो गिरेगा। लाइट के लिए येलो लेमन येलो ले लिया है, और यहाँ पर मीडियम के लिए लेमन येलो में हम येलो आकर मर्ज कर रहे हैं, इधर भी थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा मर्ज करते हुए नीचे जाएंगे, नीचे इधर शैडो गिरेगा, है ना। हर एक चीज़ की शैडो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी गिरती है, हर एक ऑब्जेक्ट की शैडो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी गिरती है और नीचे भी गिरती है। नीचे शैडो गिरा हुआ दिखाना हो तो हमें ग्रे कलर से हम दिखा सकते हैं, लाइक दिस। ओके, ये पोटैटो का नीचे शैडो गिरा है, बस हो गया। इस तरह यहाँ भी आप शैडो दिखा सकते हैं, इधर दिखाना है। ओके, अभी बास्केट कलरिंग हम करेंगे। बास्केट कलरिंग मैं किस तरह करता हूँ वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, बास्केट के स्ट्रोक्स
कौन सा बास्केट है ये? वुडन बास्केट या फिर बाम्बू के जो स्ट्रिप्स रहते हैं उसके उसका बास्केट बनाया है, देख लीजिएगा। इधर बड़े बड़े स्ट्रोक्स कर्व लाइन ऐसा ऊपर जाते हुए कर्व लाइंस, बड़े मीडियम, इधर स्मॉल, इधर बड़े, फिर मीडियम स्ट्रोक्स, फिर स्मॉल स्ट्रोक्स, इस साइड भी वैसा ही करना है। उसी के साथ अभी येलो कर लेते हुए उसके अंदर ही उस तरह ही स्ट्रोक्स घुमाने हैं। नोक, थोड़ा सा नोक का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा थिक आने नहीं चाहिए। येल्लो के थिक लाइंस आए थे, चलेगा। अभी क्या करना है, येल्लो अकर लेकर या फिर लाइट ब्राउन लेते हुए हमें स्ट्रोक्स लेना है, थोड़ा सा नुक का इस्तेमाल हमें करना है। और स्ट्रोक्स कैसे है, कर लाइन के ही स्ट्रोक्स है, ये एक ही बार में नहीं आएगा, दो तीन बार कलरिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएगा। फिर इधर लाइट, इधर शैडो, लाइट शैडो, लाइट शैडो, हर एक पार्ट में हमें दिखाना है। इसके लिए यहाँ पर ऐसे वाले स्ट्रोक्स लेने जरूरी है, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, देख लीजिएगा मैं कैसा करता हूँ। ठीक, इसके जैसा ही आपको करना है, बार बार कलर करना है तो ही कलरिंग के ऊपर आपका कमांड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अंडरस्टूड, वेरी गुड, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक है, करोगे ना बच्चों? आई ना बात समझ में? ओके, यहां पर भी वैसा ही करना है। चलो, हो गया, ब्यूटीफुल कलरिंग कंप्लीट हो गया है ना बच्चों? ओके, ओके, थैंक यू बच्चों, देख लीजिएगा कितना सुंदर चित्र दिख रहा है ना? फिर से देख लीजिएगा,